उपासनीयम यत्नेन शास्त्रम व्याकरणम महत्। हमें बड़े यत्न से क्या करना चाहिए, व्याकरण शास्त्र की उपासना करनी चाहिए। उपासनीयम यत्नेन शास्त्रम व्याकरणम महत्। ये जो विशाल व्याकरण शास्त्र है, बड़ा पूजनीय व्याकरण शास्त्र है, इसका उपासन करना चाहिए यत्न पूर्वक। प्रदीप भूतम सर्वासाम विद्यानाम यद अवस्थितम। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर्वासाम विद्यानाम, क्योंकि सभी विद्याओं का, यद प्रदीप भूतम अवस्थितम, जो प्रदीप रूप होकर के अवस्थित है, जैसे प्रदीप प्रकाश कर देता है अन्य वस्तुओं का, ऐसे ही व्याकरण शास्त्र अन्य विद्याओं के प्रकाश में प्रदीप का कार्य करता है। बिना व्याकरण के अन्य शास्त्र भी हमारे लिए प्रकाशित नहीं होते, अन्य विद्याएं भी प्रकाशित नहीं होती। तो व्याकरण विद्या एक ऐसी मूल विद्या है, अन्य विद्याओं के प्रकाश के लिए भी प्रदीप का कार्य करती है, इसलिए व्याकरण शास्त्र उपासनीय है। उपासनीयम यत्नेन शास्त्रम व्याकरणम महत् प्रदीप भूतम सर्वासाम विद्यानाम यद अवस्थितम। किम बहुना, और क्या कहें। इदम माध्यम पदस्थानम मुक्ति सोपान पर्वणाम इयम सा मोक्षमाणानाम अजिम्मा राजपद्धति। इदम माध्यम पदस्थानम, ये आद्य पदस्थान है, ये प्रमुख पदस्थान है। पदस्थान है माने सीढ़ी है, किन में से, पैर रखने का स्थान है, किन में से, कह रहे हैं मुक्ति सोपान पर्वणाम। मुक्ति रूपी एक पूरी सीढ़ी है, सोपान है, और उसके अलग अलग पर्व हैं, सीढ़ियां एक एक हैं, तो उनमें से जो आद्य पदस्थान है, जो प्रमुख पदस्थान है, या कहिए प्रथम पदस्थान है, आद्य के दोनों ही अर्थ होते हैं, आद्य माने प्रथम और आद्य माने प्रमुख। तो प्रथम प्रमुख पदस्थान मुक्ति के सोपानों के पर्वों में से प्रथम पदस्थान व्याकरण ही है, ठीक है। और एक और उपमा दे करके समझाते हैं, इयम सा मोक्षमाणानाम अजिम्मा राज पद्धति। जैसे राजमार्ग होते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, तो उनमें ट्रेवल करना बहुत इजी होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, और उसकी अपेक्षा आप जो है वो बीच में से गांवों की गलियों में से निकल के जाओ या पगडंडियों में से निकल के जाओ तो वो काफी कठिन हो जाएगा, कष्टप्रद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं मोक्षमाणानाम जनानाम इयम अजिम्मा राज पद्धति। राजपथ सीधे सीधे होता है ना, पगडंडियां तो घुमा घुमा के, या छोटी सड़कें जो किन्हीं नगरों में से गांवों में से इधर उधर से निकलती हैं, वो तो घुमा घुमा के पहुंचाती हैं, रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मोक्षमाणानाम जनानाम, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इयम अजिम्मा राज पद्धति, ये व्याकरण शास्त्र क्या है, अजिम्मा राज पद्धति। अकुटिल माने सीधा सीधा राजमार्ग है, राज पद्धति माने राजमार्ग है, इससे पहुंच जाएंगे तो सबसे जल्दी सबसे सीधे सीधे पहुंच जाएंगे, सबसे सीधा मार्ग है ये। रूपांतरेण ते देवा विचरंती महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानराह। अब व्याकरण शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं उनके लिए बताते हैं, रूपांतरेण ते देवा विचरंती महीतले, ऐसा ही समझिए कि पृथ्वी पर, महीतले पृथ्वी पर, ते देवाः रूपांतरेण विचरंती, वस्तुतः वे लोग देव ही हैं, अन्य रूप धारण करके वे पृथ्वी पर विचर रहे हैं। रूपांतरेण ते देवा विचरंती महीतले, कौन लोग, ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानराः, जो व्याकरण के संस्कार से पवित्र मुख वाले नर हैं, पवित्र वाणी वाले नर हैं। व्याकरण के संस्कार से जिनकी वाणी पवित्र हो गई है, ऐसे मनुष्य माने रूपांतर को धर के, भिन्न रूप को धर करके देवता ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। अस्तु, रूपांतरेण ते देवा विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानराः।
फिर ये तब है, अब हम जब जो है वो संस्कृत का ही, ये इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, हम इनको बहुत हल्का ले लेते हैं ना कि शायद ये ऐसे ही प्रशंसा मात्र है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसको व्रत रूप में धारण कर ले, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत ही बोल रहे हैं और जो व्याकरण संस्कार से पवित्र करके बोल रहे हैं, तो वस्तुतः स्थिति ऐसी ही बन जाएगी जैसा यहाँ पे वर्णन किया है, क्योंकि भाषा का अपना एक महात्म्य है, देववाणी है ना, तो उसकी एक अपनी महिमा है, उसके कारण से स्थिति ऐसी ही बन जाएगी जैसे यहाँ पे कहा है। पर वो व्रत होना चाहिए फिर हमारे जीवन का, तब स्थिति ऐसी बनती है। तो ये सारा अभी तक हमने जो देखा न्यास में, पदमंजरी में, ये एक पंक्ति का व्याख्यान हो गया, किसका? अथ शब्दानुशासनम। ठीक है, काशिका को फिर से देखिए, हमने काशिका में प्रारंभिक तीन श्लोक पढ़े, तीन श्लोक है ना प्रारंभ में वो, और उसके बाद अथ शब्दानुशासनम, इतना ही पढ़ा है ना अभी। तो अथ शब्दानुशासनम पे अब आचार्य ने कुछ आगे वाक्य लिखे हैं मूल काशिका में, उन पर हम साथ साथ न्यास और पद्मंजरी को देख लेंगे, क्योंकि अथ शब्दानुशासनम पे हम प्रथमावृत्ति तो देख चुके हैं ना। चलिए, अथ शब्दानुशासनम कहा, और फिर उसके बाद सीधे प्रश्न है, केशाम शब्दानाम। मूल काशिका में अथ शब्दानुशासनम के बाद क्या लिखा है पढ़िए एक बार, बस सीधे यही लिखा है ना, हाँ, केशाम शब्दानाम। तो कहा, प्रश्न समझ गए हम, जैसे ही बोला गया अथ शब्दानुशासनम, अब शब्दों का अनुशासन प्रारंभ करते हैं, अब शब्दों के शास्त्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो झटिती प्रश्न आया, किन शब्दों के अनुशासन को, किन शब्दों के शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं, केशाम शब्दानाम। तो उत्तर दिया गया, लौकिकानाम वैदिकानाम च, दोनों प्रकार के शब्दों का ये शास्त्र है, दोनों प्रकार के शब्दों का यहाँ अनुवाख्यान किया जाएगा इस शास्त्र में, किन किन, लौकिकों का भी और वैदिक शब्दों का भी। इसी पंक्ति पर न्यास और पद्मंजरी को देखिए, केशाम शब्दानाम, पहले न्यासकार को देखते हैं, कथम पुनर अनुशासने गुणी भूतानाम शब्दानाम किम शब्देन प्रत्यवमर्शो भवति, कथम पुनर अनुशासने गुणी भूतानाम शब्दानाम किम शब्देन प्रत्यवमर्शो भवति। यहाँ पे प्रश्न जिज्ञासु ऐसा कर रहा है कि आपका ये जो केशाम शब्दानाम प्रश्न है ना, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए शब्दानुशासनम इस पद में हमने क्या समास किया था, क्या समास किया था, षष्ठी समास शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम यही तो किया था, और षष्ठी समास पे प्रधानता किसकी होती है, किस पदार्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, यही नियम जानते हैं ना आपने, प्रायेण प्रायशः, यही नियम है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, तत्पुरुष उत्तर पदार्थ की प्रधानता वाला होता है। तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता है तो अनुशासन इस पद के अर्थ की प्रधानता है ना, और कह रहे हैं कि आपको प्रश्न प्रधान के विषय में ही करना चाहिए, अप्रधान के विषय में प्रश्न कैसे कर रहे हो। ठीक है, जो जिज्ञासु यहाँ अपना प्रश्न ले रहा है उसका अभिप्राय आप, हम लोग जानने का यत्न कर रहे हैं, उसके पीछे मन में क्या है बात, कि शब्दानुशासनम में तो षष्ठी समास किया था, षष्ठी समास तो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, प्रश्न जो है वो प्रधान के विषय में ही होना चाहिए, सामान्य रूप से लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। जैसे किन्हीं को आना हो अतिथि रूप में हमारे पास, उनमें से एक मुख्य अतिथि को आना हो और उनके साथ बहुत सारे उनके अनुयायियों को भी आना हो, तो हम प्रश्न किसके बारे में करते हैं, मुख्य अतिथि के बारे में प्रश्न करते हैं ना, कि वो आ गए क्या, ये तो नहीं पूछते कि उनके गार्ड भी आ गए क्या साथ में, नहीं ना, या उनके शिष्य भी आ गए, नहीं ना, ऐसा सामान्य लोक व्यवहार है। तो इसी दृष्टि से ये कह रहे हैं कि किम शब्द के द्वारा प्रत्यवमर्श किसका होना चाहिए, अनुशासन का होना चाहिए, माने किम शब्द से जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो अनुशासन के बारे में होना चाहिए, मुख्य वर्णित विषय के बारे में होना चाहिए, गौण के बारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो
प्रश्न को ही गलत ठहरा दिया कि केशाम शब्दानाम आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही ठीक नहीं है। देखिए फिर से पंक्ति पढ़िए, अब आपको शायद थोड़ा स्पष्ट होगा। कथम पुनर अनुशासने गुणी भूतानाम शब्दानाम किम शब्देन प्रत्यवमर्शो भवति। अनुशासने गुणी भूतानाम शब्दानाम, अनुशासन इस पदार्थ में गुणी भूत हो गए हैं जो शब्द। दो पद थे ना, शब्दानाम और अनुशासनम, तो अनुशासन पद के ही अर्थ को मुख्य रूप से कहा जा रहा है। शब्दानाम इस पद का अर्थ तो वहां क्या हो गया है, गौण हो गया है, तो उसी बात को कहा अनुशासने गुणी भूतानाम शब्दानाम। अनुशासन अर्थ के प्रति जो गौण हो चुका है शब्द, इसका कथम पुनर किम शब्देन प्रत्यवमर्शो भवति, इसका किम शब्द से प्रत्यवमर्श कैसे कर सकते हो, अर्थात किम शब्द के साथ इसका संबंध कैसे कर सकते हो, और खोल के कहें तो आप गौण वस्तु के विषय में प्रश्न कैसे कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसको उत्तर दिया नैष दोषः, कहा कि ये दोष नहीं आएगा, क्यों, प्रधाने ही अंतर्भूतस्य अपि उपसर्जनस्य बुद्ध्या प्रविभज्य किम शब्देन प्रत्यवमर्शो दृष्टः। कह रहे हैं कि आप जैसे लौकिक व्यवहार को सामने रख करके कह रहे थे ना, वैसे लौकिक व्यवहार दूसरी तरह का भी देखा जाता है। क्या लौकिक व्यवहार भी देखा जाता है कि प्रधाने ही अंतर्भूतस्य अपि उपसर्जनस्य, कि प्रधान में जो अंतर्भूत हो गया है ऐसा जो गौण पदार्थ है उसको भी बुद्ध्या प्रविभज्य, बुद्धि से अलग करके। आप कहें कि समास होने के बाद तो वो दोनों मिलके एक ही अर्थ हो गया ना, अब वो अलग रहे ही नहीं, तो उसमें जो है वो गौण के बारे में प्रश्न कैसे करोगे, तो कह रहे हैं कि बुद्धि से प्रविभाग किया जा सकता है। यद्यपि दोनों चीजें मिलकर के अब एक को कह रही है, शब्दानुशासनम पद मिलकर के एक ही अर्थ को कह रहा है अभी, लेकिन फिर भी शब्दानाम अलग पद है, अनुशासनम अलग पद है, समास से पहले तो अलग है ही ना, तो कम से कम हम बुद्धि में उनका प्रविभाग करके गौण के विषय में भी प्रश्न कर सकते हैं। और कोई कहे कि ऐसा कहीं और भी होता है, तो कहा कि हाँ ऐसा भी होता है लोक व्यवहार में, जैसे आपने कहा था कि मुख्य के विषय में प्रश्न होता है, ऐसे ही लोक व्यवहार में गौण के विषय में भी प्रश्न होता है। जैसे उदाहरण दिखा रहे हैं, यथा जैसे किसी ने किसी को कहा राजपुरुषोयम, ठीक है, देवदत्त को सोमदत्त मिला, तो देवदत्त ने सोमदत्त का किसी अन्य को परिचय कराते हुए कहा कि ये राजपुरुषोयम, ये राजपुरुष है, तो वहां पे जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको परिचय कराया जा रहा है वो पूछ भी सकता है कस्य राज्य है, किस राजा का पुरुष है ये, बहुत सारे राजा है ना अलग अलग स्थानों में, तो किस राजा से संबद्ध पुरुष है ये, कहाँ काम करते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं, कस्य राज्य है। तो लोक व्यवहार में दोनों तरह से देखा जाता है, मुख्य के विषय में भी प्रश्न होता है और गौण के विषय में भी प्रश्न हो जाता है। जैसे आप वहां पे न्याय पढ़ते हैं ना, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ही है ना, समुदाय में वाक्य की परिसमाप्ति होती है और प्रति व्यक्ति भी वाक्य की परिसमाप्ति होती है। जैसे कभी कोई बालक शैतानी कर रहे हैं ग्रुप में, तो उनपे दंड लगा दिया कि आपको 1000 दंड है, तो उसका एक ये भी अभिप्राय होता है कि पूरे ग्रुप को मिलके 1000 देना है ना। जैसे वहां पे उदाहरण दिए ना आपके, गर्गाह शतम दंडयन्ताम, उसी तरह से अभी बता रहे हैं। या फिर ऐसा भी अभिप्राय हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1000 दंड देना है। समुदाय में भी वाक्य की परिसमाप्ति होती है और प्रति व्यक्ति भी वाक्य के अर्थ की परिसमाप्ति अलग अलग देखा जा रहा है, एक ही स्थिति में दो पक्ष। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि लोक में दोनों ही तरह की स्थितियां देखी जाती हैं, मुख्य के विषय में भी प्रश्न होता है और कभी गौण के विषय में भी प्रश्न हो सकता है। जैसे ये उदाहरण दे दिया उन्होंने कि किसी को कहा राजपुरुषोयम, तो वो पूछ सकता है कस्य राज्य है। अब देखिए राजपुरुष शब्द की स्थिति और शब्दानुशासनम की स्थिति बिल्कुल वही है, षष्ठी समास है यहाँ पर भी, राज्य पुरुष, जैसे वहां पे शब्दानाम अनुशासनम था वैसे ही यहाँ पे क्या है, राज्य पुरुष। तो राज्य पुरुष में तो प्रधानता किसकी है, पुरुष की है, तो पुरुष के बारे में प्रश्न होना चाहिए था, कह कह पुरुष, तो लेकिन वो प्रश्न तो नहीं कर रहे, क्या प्रश्न कर रहे हैं, कस्य राज्य है, तो गौण के बारे में प्रश्न कर दिया ना। समस्त होने के बाद भी उसमें अंतर्गत जो मुख्य पदार्थ में अंतर्गत जो गौण पदार्थ है उसको बुद्धि से प्रविभक्त करके उसके बारे में प्रश्न
देखा जा रहा है, तो जैसे लोक में देखा जा रहा है वैसे हम शास्त्र में भी कर सकते हैं। अथ शब्दानुशासनम बोल दिया है, भले ही समस्त पद का प्रयोग कर दिया है, फिर भी हम वहां बुद्धि से प्रविभाग करके केशाम शब्दानाम ये प्रश्न कर सकते हैं। अस्तु ज्ञातम्। पंक्तियां फिर से देख लीजिए प्रारंभ से एक बार। जिज्ञासु ने क्या कहा, केशाम शब्दानाम ये प्रश्न आपका गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि कथम पुनर अनुशासने गुणी भूतानाम शब्दानाम किम शब्देन प्रत्यवमर्शो भवति। अनुशासन इस अर्थ में गुणी भूत जो शब्द रूप अर्थ है उनका किम पद के द्वारा प्रत्यवमर्श कैसे हो सकता है, माने किम से उनका संबंध करके आप प्रश्न कैसे कर सकते हो उनके बारे में। तो उत्तर दिया, नैष दोषः, ये जो आप कह रहे हैं कि गौण वस्तु के बारे में प्रश्न नहीं हो सकता, ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानेष्यन्तर्भूतस्यापि उपसर्जनस्य, प्रधान अर्थ में ही अंतर्भूत हो गया है, उसी में भीतर समा गया है, उसी में निहित हो गया है, जो उसका भी, उस उपसर्जन अर्थ का भी, उस गौणीभूत अर्थ का भी बुद्ध्या प्रविभज्य, बुद्धि से प्रविभाग करके किम शब्देन प्रत्यवमर्शो दृष्टः, किम शब्द के द्वारा प्रत्यवमर्श देखा गया है। यथा राजपुरुषोयम्, जैसे क्या बोला, राजपुरुषोयम ऐसा बोला, तो प्रश्न हो गया कस्य राज्य है इति। ठीक है, और ये कस्य राज्य है प्रश्न जैसे ठीक है, वैसे ही अथ शब्दानुशासनम के संदर्भ में केशाम शब्दानाम ये प्रश्न भी ठीक है। अब कहा, कह पुनरत्र प्रष्टुर अभिप्रायः, जो व्यक्ति कस्य राज्य प्रश्न कर रहा है तो इसका अभिप्राय क्या है, यहाँ पे प्रष्टा का अभिप्राय क्या है, क्या पूछना चाहता है वो। तो कहा, एवं मन्यते, ऐसा मानते हैं, शब्दानुशासनम इत्यत्र शब्द शब्दः सामान्य वचनः। अब ये कस्य राज्य हमें तो ठीक है पूछना चाहते हैं कि किस राजा का है, किस राजा से संबद्ध है ये व्यक्ति। ठीक है, मान लीजिए उस देश में 50 राजा हैं, तो प्रश्न बन ही सकता है ना, कस्य राज्य, आप राजपुरुष बता रहे हैं इनको, कहां किस नगर के किस राजा से संबद्ध है ये, कस्य राज्य, हाँ प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पे पूछा केशाम शब्दानाम, तो इसके बारे में प्रश्न कर रहा है जिज्ञासु कि आपने शब्दानाम के साथ किम शब्द को संबद्ध किया है, शब्दानाम इस विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रष्टा का अभिप्राय क्या समझे हम, क्यों पूछा जा रहा है केशाम शब्दानाम। तो उसका उत्तर देते हैं, एवं मन्यते, ऐसा मानते हैं कि शब्दानुशासनम इत्यत्र शब्द शब्दः सामान्य वचनः, शब्दानाम अथ शब्दानुशासनम, यहाँ पे जो शब्द ये पद पढ़ा है उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया ना कि कैसा शब्द। ठीक है, उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया कि कैसा शब्द, तो सारे शब्द आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। गाय को नहीं मारना चाहिए, अब हमने गाय के लिए कोई विशेषण तो नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, तो गाय से किसको लिया जाएगा, गाय मात्र को ले लिया जाएगा, प्रत्येक गाय को ले लिया जाएगा। ऐसे ही अथ शब्दानुशासनम बोला आपने, और वहां शब्द के साथ कोई विशेषण तो जोड़ा नहीं, तो शब्द कैसा शब्द है, अब सामान्यवाची शब्द है, कैसा शब्द है, कोई विशेषण जोड़ देते तो विशेषवाची बन जाता, लेकिन अभी तो ये सामान्यवाची शब्द है। उसी को कहा, एवं मन्यते शब्दानुशासनम इत्यत्र शब्द शब्दः सामान्य वचनः, शब्दानुशासनम इस पद में शब्द शब्द माने शब्द ये पद सामान्य वचनः, सामान्य का वाची है, अर्थात प्रत्येक शब्द को कहने वाला है। न च सामान्य शब्द प्रकरण आदि रहितो विशेषे वर्तितुम उत्सहते, और कह रहे हैं कि जब हम किसी सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो प्रकरण आदि रहित, अगर कोई प्रकरण विशेष नहीं चल रहा है, तो हमारे द्वारा प्रयुक्त जो सामान्य शब्द है वो विशेषे वर्तितुम न उत्सहते, किसी विशेष अर्थ में ही वर्तमान हो जाएगा, ऐसा उसका सामर्थ्य नहीं होता। अगर कोई प्रकरण विशेष चल रहा है तब तो उस प्रकरण के अनुसार जो विशेष अर्थ ग्रहण करना हो उसमें वो शब्द चला जाएगा, विशेषवाची हो जाएगा, लेकिन कोई प्रकरण आदि विशेष नहीं है या हमने किसी विशेषणवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल सामान्य रूप से साधारण शब्द का हमने प्रयोग किया है बिना किसी विशेष प्रकरण आदि के, तो वो शब्द क्या रहेगा, फिर
सामान्यवाची रहेगा और अपने पूरे अर्थ को ग्रहण कराएगा, ठीक है। जितना विराट से विराट, व्यापक से व्यापक उसका अर्थ हो सकता होगा। सामान्य का मतलब ही ये सामान्यवाची माने क्या, प्रत्येक सामान्य पदार्थ को भी कह दे सकने वाला, ठीक है। न च सामान्य शब्द प्रकरण आदि रहितो विशेषे वर्तितम् उत्सहते। सामान्य शब्द जो प्रकरण आदि से रहित प्रयोग किया जा रहा है वो विशेष अर्थ में व्यवस्थित होने का सामर्थ्य नहीं रखता है, न उत्सहते। संति च समुद्र घोषादयोपि बहवः शब्दा। अब कहते हैं कि देखो यहाँ पे अतः शब्दानुशासनम में शब्द ये सामान्यवाची है, और शब्द से फिर जैसे आप इसको ले रहे हो भागह त्यागह आदि को, वैसे ही किसको भी लेना चाहिए, समुद्र में जो आवाज होती है ना, कि नदियों में जो आवाज होती है, कि पक्षियों की जो आवाज होती है, कि हवा के चलने से पेड़ों की जो आवाज होती है, वो सब शब्द भी इसमें आएंगे। फिर आपके यंत्रों के चलने से जो आवाज होती है वो सारे भी यहाँ शब्द इस सामान्यवाची शब्द से गृहित होने लग जाएंगे। तो संति च समुद्र घोषादयोपि बहवः शब्दाः। समुद्र घोष आदि और भी बहुत प्रकार के दुनिया में शब्द हैं। अतस्तेषामपि व्युत्पादनं प्राप्नोति। जब आप कहोगे कि हम इस शास्त्र में शब्दों की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, तो फिर समुद्र घोष आदि जो शब्द हैं उनकी जो आवाज है उनका भी व्युत्पादन करके दिखाओगे क्या, यहाँ पे प्राप्त तो होने लगेगा, क्योंकि आपने शब्द के बारे में कोई भी विशेषण शब्द नहीं डाला है जिससे कि उसका अर्थ संकुचित हो जाए। एक विशेष प्रकार के शब्द ही यहाँ गृहित होंगे, व्यक्त वाग वाले शब्द ही गृहित होंगे, ये तो नहीं बोला ना। तो जो अव्यक्त वाणी वाले शब्द हैं वो भी यहाँ पे गृहित होने लगेगी, अव्यक्त वाग भी यहाँ गृहित होने लगेगी, ये समस्या दिखा दी, ठीक है। अतस्तेषाम अपि व्युत्पादनम् प्राप्नोति इति। अब कहते हैं कि इह तु व्याकरणम् प्रस्तुतम्। लेकिन यहाँ प्रकरण क्या है, व्याकरण शास्त्र का प्रकरण है, प्रकरण विशेष है, व्याकरण शास्त्र का प्रकरण है। तच्च वेदांगम, और व्याकरण शास्त्र क्या है, वेदांग है। अंगम चोपकारकम भवति, और अंग क्या होता है, उपकारक होता है। एवं च तद वेदस्य उपकारकम भवति यदि तेनैव वैदिकाः शब्दाः संस्क्रियन्ते। एवं च तद वेदस्य उपकारकम भवति। अब कहते हैं कि ये व्याकरण जो शास्त्र है वो वेद का उपकारक कब होगा, वो इसी प्रकार से वेद का उपकारक होगा यदि तेनैव वैदिकाः शब्दाः संस्क्रियन्ते, अगर उसके द्वारा क्या किया जाए, वैदिक शब्दों का संस्कार किया जाए। पक्षियों की आवाज के बारे में बताने से, कि या नदियों की आवाज के बारे में बताने से, या यंत्रों की आवाज के बारे में बताने से, तो फिर उसका वेदांग नाम नहीं रहेगा, क्योंकि उस तरह से तो फिर वेद का उपकारक नहीं होगा ये शास्त्र, ठीक है। लौकिकाश्च तदुपकारिणः, और लौकिक शब्द भी, लौकिकाश्च तदुपकारिणः, लौकिक भी वेद के उपकारी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लौकिक शब्द भी वहीं से आए हैं, तो लौकिक शब्दों का हमें ज्ञान होता है, तो उससे भी काफी कुछ हमें वेद के अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। वैदिकोपकारिकत्वं तु लौकिकानां तैस्तदर्थस्य आख्यानात्। अब कह रहे हैं कि लौकिक शब्द कैसे वैदिक शब्दों के उपकारी हो गए, तो कहा वैदिकोपकारित्वं तु लौकिकानां, वैदिक शब्दों का उपकारित्व है लौकिक शब्दों में। क्यों, तैस तदर्थस्य आख्यानात्, क्योंकि लौकिक, ये एक और तरीका बता रहे हैं, मैंने तो अभी एक और बात बोली बीच में कि वेद में बहुत सारे जिनको हम लौकिक शब्द कह रहे हैं वो भी उसी स्वरूप में वेद में पाए जाते हैं, ये बात कही। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक और तरीके से भी लौकिक शब्द वैदिक शब्दों के उपकारक हैं। कैसे, कि जब हम वेद के वैदिक शब्दों का व्याख्यान करेंगे तो किन शब्दों से करेंगे, लौकिक शब्दों से ही तो करेंगे भाई। जब वेद के मंत्रों का हम अर्थ कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, तो किन शब्दों से करेंगे, लौकिक शब्दों से करेंगे, तो लौकिक शब्द भी वैदिक शब्दों के क्या हो गए, उपकारक हो गए इस रूप में। तस्मात् शब्दानुशासनाधिकारात् विशिष्टा एव अत्र शब्दा व्युत्पादयितुम् अभीष्टाः। इसलिए कहते हैं
कि तस्मा शब्दानुशासनाधिकारात, इसलिए शब्दानुशासन इस अधिकार के कारण से विशिष्टा एवात्र शब्दाः व्युत्पादयितुम् अभीष्टाः, यहाँ पे विशिष्ट शब्द ही व्युत्पादन करने के लिए अभिष्ट हैं। आचार्य विशिष्ट शब्दों का ही अनुवाख्यान करना चाहते हैं, न तो समुद्र घोषादयोपि, समुद्र घोषादि सभी शब्दों का, अव्यक्त वाक वाले शब्दों का यहाँ पे व्युत्पादन आचार्य नहीं करना चाहते। तथा विध शब्द व्युत्पादने ही व्याकरणस्य अवेदांगता अपि स्याद, उस प्रकार के शब्दों का व्युत्पादन अगर आचार्य बताएंगे तो फिर व्याकरण का अवेदांगत्व हो जाएगा, व्याकरण शास्त्र की जो वेदांगता कही गई है वो सिद्ध नहीं होगी। इति मन्यमानः आह, ऐसा मानते हुए कह रहे हैं। लौकिकानां वैदिकानां च, ठीक, इसको आगे अग्रिम कक्षा में देखेंगे हम। एतावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः।